हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का KKH YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आपका कोई रिलेटिव, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कह लीजिए आप जिसकी केयर करते हैं, वो अगर आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देता है गुस्से में, तो हम जो है उसका कुछ भी नहीं देख पाते हैं, यानी कि पता नहीं लगा पाते हैं कि वो कब ऑनलाइन आता है, कब ऑफलाइन जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा ही तरीका बताऊँगा, अगर वो आपको ब्लॉक कर देते हैं फिर भी आप पता लगा पाएंगे कब वो कितनी देर तक ऑनलाइन आते हैं और कब वो ऑफलाइन जाते हैं। उसी के साथ अगर उसने ब्लॉक नहीं किया है फिर भी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। काफ़ी मेरे दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, हम इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप पर किसी ने ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पर गाइस मैंने एक एप्लीकेशन बताया था, बट वो एप्लीकेशन यहाँ पर थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है। आप तो इस वीडियो में आपको एक नया एप्लीकेशन बताऊँगा जो एकदम जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो गाइस, यहाँ पर भी हम जो है लिंक इसको मैं चेंज कर दूंगा जा करके। तो गाइस, मैं आपको डेमो दिखा दूँ किस तरह से आपको पता चलेगा। तो देखिए, मैं नोटिफिकेशन मंगाया तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लगा के रखा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये कब ऑफलाइन आया है। देखिए, 19 मिनट पहले जो है ये ऑफलाइन हुआ, फिर 20 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट 21 मिनट के बाद ये ऑनलाइन आ गया है, और अभी इसकी करंट लोकेशन अभी ऑनलाइन है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो हमने बनाया है आपको। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रही होगी, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर राय लिखिएगा, क्योंकि जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, आप अच्छा बताएंगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा, अगर आप गलत बताएंगे तो मैं जो है वीडियो आगे चल के ज़्यादा इस तरह के नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो नंबर ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मली जो नंबर जो है 10:11 से 10:14 तक ऑनलाइन रहा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 13:14 और अभी जो है इतनी देर ऑनलाइन रहा। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो किस तरह ट्रैक करना है। यहाँ पर आप जब आएँगे, आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर नॉर्मली डाउनलोड करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, जो आपको नीचे दिखाई देगा। उसके बाद डायरेक्ट आप यहां पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर प्लस पर क्लिक करना है और यहां पर व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने कंट्री कोड के साथ, जैसे आप अगर इंडिया के हैं तो आप +91 यहां पर ज़रूर लगाइए। उसके बाद उस व्यक्ति का आप नंबर डाल दीजिए जिसका आप व्हाट्सएप ट्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो गाइस, आपको यहाँ पर नंबर डालने के बाद आपको कंट्री कोड आगे जरूर लगाना है, जैसे +91, उसके बाद आपको नंबर अपना लिखना है। अगर आपकी दूसरी कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लिए जो आगे कोड लगता है वो +92 लगता है। अब नॉर्मली आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर ओके करते ही ये जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये बता रहा है फिलहाल इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं है, तो मैंने कोई ऐसा नंबर, दूसरा नंबर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे नंबर डालने के बाद उसका आप नाम डाल सकते हैं, जो भी कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस ये मेरे नंबर नहीं है, ये जो है आप इन्हें ट्राई मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे नंबर लगाए हैं वो मेरे एक भी नंबर नहीं है, तो आप ट्राई करने की कोशिश मत करिए। तो यहाँ पर आप देखिए गाइस, ये दोनों नंबर लास्ट के ऑनलाइन हैं अभी, तो ये देखिए दोनों ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देखिए, ऊपर का नंबर है आप देख सकते हैं, ये 9 बजे ऑनलाइन आया था। अब आपको इसे ट्रैक करना है, तो ट्रैक करने के लिए आपको नॉर्मल इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आया था और इसकी करंट लोकेशन भी ऑनलाइन है। तो नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितने बजे से कितने बजे ऑनलाइन आया, पूरा लिस्ट आ जाएगा। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो है ये ट्रैक करना चालू करेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।